दो बच्चे का मौत हो गया है, तीन घायल है, एकदम बहुत गहरी घायल है। आप देख रहे हैं केवल सच्चाई। डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू में निर्माण किए जा रहे अपार्टमेंट के दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत एवं कई लोग हुए घायल। हटिया विधायक नवीन जायसवाल पहुंचे घटना स्थल पर, परिजनों को हर संभव मदद दिलाने की कर रहे प्रयास। सिटी एसपी कोतवाली, डीएसपी अरगोड़ा, सीओ भी पहुंचे घटना स्थल पर। कारण घटना की बताया जा रहा है कि बीती देर रात झमाझम बारिश हुई थी, दीवार पूरी तरह से भीगी हुई थी। इस दीवार के पास दो बच्चे खेल रहे थे। हादसे के वक्त माँ भी वहीं पास में दीवार से हटकर काम कर रही थी और तभी दीवार गिरने की वजह से दोनों बच्चों की जान चली गई। घटना सुबह 10 बजे के आसपास की है। घटना के बाद वहां जाम लग गई और रास्ते को बंद कर दिया गया। लोग मुआवजे की मांग करने लगे। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बच्चों को रिम्स भेज दिया गया है। यह है माता, इसका बच्ची की माँ है। कौन है ये? वो पिता है ये। इसको भी चोट है बेचारा को। और भगाने के लिए रास्ते में बेचे। क्या नाम हुआ भैया? अजय लोहरा। क्या हुआ? 9:30 क्या चाहिए बोलिए भैया, पूछ रही है। सब चीज तो बोल रहे हैं, कोई तो बोल रहे हैं मौजा चाहिए, मौजा चाहिए, मौजा चाहिए। तो कौन सुन रहा है? खाली मैं लेके आ गए, बोल रहे क्या चाहिए क्या चाहिए, और बोल रहे तो मौजा चाहिए, मौजा चाहिए। कौन देगा हम लोग को मौजा? बोला रहे तो बोले मौजा चाहिए, मौजा चाहिए। खाली बोलते हैं क्या चाहिए क्या चाहिए। गरीब के लिए घुस चाहिए बस, खाली खाना चाहिए ना, और क्या चाहिए? भोजन हम लोग को मौजा चाहिए। कितने बजे की घटना है? है? कितनी बजे की घटना है? वो 5 बजे हो रहा है। 10 बजे करीब, 10 बजे, 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे दुर्घटना हुआ है। 9 बजे हुआ है। वहाँ पर मालिक वगैरह कोई ठेकेदार आदमी कहाँ भाग गया है? बिल्डर भी नहीं है, यहाँ मजदूर केवल बैठा है। दो बच्चे का मौत हो गया है, तीन घायल है, एकदम बहुत गहरी घायल है। उसका कोई गारंटी नहीं अभी, इसका बच्चे का माँ का। कौन सा हॉस्पिटल में वो लोग ले गए हैं? कहाँ हम लोग आते आते तो इन लोग का बवाल हो रहा है, कोई भाग जा रहा है बिल्डर, कोई उठा के ले जा रहा है। हम लोग यहाँ काम नहीं कर रहे थे, हम लोग को सूचना मिला बिरसा चौक में थे, फिर आए, तब तक वो लोग लेके चल गए। कितने बजे की घटना